नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे छोटे बच्चों, आप सभी को रामा आर्ट्स अंबिकापुर के ओर से प्यार भरा नमस्कार एवं बड़ों को सादर प्रणाम। आज हम राइटिंग पेंटिंग स्केचिंग में आपके लिए लेकर आए हैं M4 मंकी। मंकी माने बंदर। हम आज यम अक्षर अल्फ़ाबेट का बताएंगे एवं साथ में आपको चित्र भी बना के बताएंगे। M4 मंकी, मंकी का बंदर का चित्र बनाएंगे। यह हम कैपिटल अक्षर लिख के बता रहे हैं, साथ में आपको स्मॉल लेटर का आधार बता दे रहे हैं। बाकी हम जो राइटिंग पेंटिंग है वो कैपिटल लेटर में ही करेंगे। या मंकी, मंकी माने बंदर। या राइटिंग पेंटिंग स्केचिंग हम सरल ही फ्री हैंड सरल ही आपको 3D में बता रहे हैं। 2D में राइटिंग बता रहे हैं, उसको 3D में हम कैसे बनाते हैं उसको हम बता रहे हैं। और हम एक आसान तरीका ही बता रहे हैं। यम का एक डंडी, आप पेंटिंग वीडियो के हिसाब से चलें। ये दोनों का साइड में थोड़ा सा छोड़ते हुए और ये दोनों को सबसे पहले हम नीचे वाला को मिला लेंगे और उतने ही गैप को हम रखते हुए नीचे सीधे भी मिला लेंगे, एक दूसरे से लाके मिलाते हुए। और नीचे में भी एक भी के जैसा अक्षर हम बना लेंगे, डबल भी। यह हमारा यम अक्षर लेटर तैयार हो चुका है। अब हम चित्र बनाएंगे या उसका सर बनाया जा रहा है। टोपी वाला बंदर वाइट इधर रहता है, काला मुंह रहता है, बहुत सा भूरा रहता है। यह हम उसी का निर्माण कर रहे हैं। सर में लगता है कि टोपी पहने हैं लेकिन वो उनका शेप रहता है बाल का। इसका आँख, ये हाथ बना रहे हैं हम सिंपल ही। एक पेड़ में बैठा हुआ, हम पेड़ को बाद में बनाएंगे, पहले हम आकृति बना लेते हैं। इसका हाथ उंगली थोड़ा सा सेम आदमी के जैसा ही रहता है, पंजा थोड़ा सा लंबा रहता है और पेड़ में पकड़ने लायक। ये पीठ कंधा, इसको हम ऊपर से ले जाकर हम थोड़ा थोड़ा घुमाव करेंगे उनका सीना। और ये दूसरा हाथ भी हम साइड से निकाल दे रहे हैं, शेप देते हुए आप करें, हम सीधा सीधा कर रहे हैं। यह सिंपल। और इसके साथ में हम नीचे इसका कमर के साथ में हम मिलाएंगे, हम कुछ इसको झूलते हुए पेड़ में दिखा रहे हैं। आप बैठा हुआ भी, खड़ा हुआ भी, लटका हुआ भी दिखा सकते हैं। ये दूसरा पैर लंबाई लिया हुआ। और यह हम एक बाल रूपी शेप बना दे रहे हैं सब जगह। इसी को हम एक मदारी वाला बंदर बना देते हैं जिसको हम पैंट भी पहना देंगे। उससे पहले यह पूछी ऊपर कमर के नीचे से चलता हुआ है और यह एक सांप के जैसा। यह हमारा M4 मंकी तैयार हो चुका है। अब हम कलर करेंगे थोड़ा। इससे पहले हम उसको एक पैंट पहना देते हैं जिससे वो और अच्छा लगे।
अब हम इसमें कलर करेंगे। कलर भी हम स्केचिंग के अंदर में ही करेंगे, ना ज़्यादा मोटा करेंगे ना ज़्यादा पतला, मीडियम साइज का ही लेंगे और स्केचिंग जो हम किए हैं उसके अंदर ही करेंगे। कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ही चलाएंगे। और ये हमारा यम, जहाँ जहाँ कलर नहीं लगते हैं वहाँ आप हल्का फुल्का लेके वहाँ पर मिला सकते हैं। ये हमारा यम फॉर मंकी तैयार हो चुका है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रामा आर्ट्स अंबिकापुर। यह हम पैंट बना रहे हैं। अब हम शरीर का कलर करेंगे कुछ। उससे पहले हम हल्का सा येलो में हम रेड कलर का मिक्स किए हैं, भूरा टाइप का हम बना रहे हैं शरीर। रेड भी हमको बहुत सा चीज़ें मिक्सिंग करने के लिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कलर बना सकें, बहुत उपयोगी रहता है। यह हमारा उभार 3D जैसा। और हम कुछ सर को अलग टाइप का ही कर देते हैं, बाल जैसा। इससे पहले बैकग्राउंड, यह हमारा सर का हम कलर थोड़ा सा नीला लिए हैं, उसी में हम रेड कलर मिला देंगे, हल्का ब्लैक कलर में आ जाएगा। अब हल्का अगर हम हरा मिला दें, बस ग्रीन कलर, तो और अच्छा ही होता है। लेमन येलो या मिक्स कलर वगैरह ना मिलाएं। यह हम पेड़ बना रहे हैं, कुछ पकड़ा हुआ डंगाली में झूल रहा है। बंदर लोग ज़्यादातर आपका पेड़ में ही रहते हैं। यह हम बस शाख ही बना रहे हैं। ये पेड़ दोनों उसी में झूल रहे हैं, हाथ पर पूरा सब उसी में रखे हैं। यह हमारा बंदर तैयार हो गया है, मंकी तैयार हो चुका है। अब हम परछाई कर रहे हैं, एक साइड से ही कर रहे हैं। येलो कलर का उपयोग कर रहे हैं, उसी को हम बैकग्राउंड में भी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। यह हमारा यम फॉर मंकी तैयार है। अब हम स्केचिंग करेंगे, स्केचिंग भी धीरे धीरे ही करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर पॉइंट को मिलाते हुए करेंगे। ये हमारा यम फॉर मंकी तैयार हो चुका है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो यह अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें रामा आर्ट्स अंबिकापुर, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।